सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट थर्ड सेमेस्टर के साइंस विषय के सोल्यूशन को लेकर के आए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सारे के सारे प्रश्न बहुत बहुत ही आसान पूछे गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अब तक जितने भी विज्ञान के पेपर अब तक आए हुए हैं ये सबसे सरल पेपर है, आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा। दोस्तों, तो कुकिंग गैस जो हमारे घर में सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, बार बार ये यूपी टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है और मैंने आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी करवाया है, प्रीवियस ईयर में भी ये पूछा हुआ प्रश्न है आपके विज्ञान विषय में। तो कुकिंग या खाना बनाने वाली जो गैस होती है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो आप देखिए प्रोपेन कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो हम क्या लगाएंगे, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेथेन, एथेन, एथिलीन और ब्यूटेन में से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस, द्रव या गैस में, तो राइट आंसर है ठोस में, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, भारतीय वैज्ञानिक इसमें से कौन है, तो एडिशन तो है नहीं, मैडम क्यूरी भी नहीं है, गैलीलियो भी नहीं है, राइट आंसर क्या है, सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, कितना आसान सा प्रश्न पूछा है, हम सभी को पता है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है हमारे सिर में और इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागफनी का पौधा है, तो नागफनी पौधा कैसा है, जली तो नहीं है, आरोही भी नहीं है, ऊपरीरोही भी नहीं, क्या है, मरुस्थली है, क्योंकि कांटे होते हैं इसमें, तो ये मरुस्थल में पाया जाता है नागफनी। यहाँ पर देखिए अतिलघु उत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं, अतिलघु उत्तरी प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं, तो हम सभी को पता है कि प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति n इज इक्वल टू 1/T के होता है, हम सभी को ये बात पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइपर मेटोपिया को स्पष्ट कीजिए, हाइपर मेटोपिया क्या है, दोस्तों जो हाइपर मेटोपिया होता है इसमें व्यक्ति दूर की चीजों को आसानी से देख पाता है लेकिन उसे पास की वस्तु धुंधली दिखती है या देखने में परेशानी होती है। हाइपरमेटोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर जाकर के बनता है, इसीलिए जो दूर की चीजें हैं वो तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, तो यही होता है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हम सभी को पता है कि ये कहाँ है, ये असम में स्थित है और यहाँ पर ये किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। इसके अलावा दोस्तों दुनिया के 2/3 गैंडे यहीं पर रहते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख करिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा दोस्तों। तो देखिए जो मधुमेह रोगी होते हैं इनका सबसे पहला लक्षण है कि इन्हें कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों जो नजर है वो बहुत धुंधली होने लगती है, तेरे दिखाई कम देने लगता है। इसके अलावा प्यास बहुत लगती है, प्यास लगने की वजह से पेशाब बहुत लगता है, इनको ये सब लक्षण हैं। तो बस यही सब आपको लिखना था, बढ़ी हुई प्यास, पेशाब, भूख में वृद्धि, धुंधली दृष्टि, पैरों और हाथों में सुन्नता भी होती है, झुंझुनी भी आती है, तो यही सब आपको लिखना था कि कुल 4 ही यहाँ पर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, खनिज क्या है, तो दोस्तों जो खनिज है, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ है जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा या खोद करके बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीके से प्रकृति से ही हमें क्या होते हैं, ये मिलते हैं। तो खनिज एक तत्व या रासायनिक यौगिक है जो प्रायः क्रिस्टलीय होता है, तो इस तरीके से ये भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हमें भूगर्भ से खनन के द्वारा ही प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक पदार्थ है, पहले तो आपको यही लिखना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, एथेन और एसिटिलीन का सूत्र पूछा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है, एथेन और एसिटिलीन का सूत्र पूछा, तो एथेन C2H6 होता है, हम सभी को पता है C2H6, तो कार्बन और कार्बन के बीच में पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, इस तरीके से आप फैला करके भी लिख सकते थे एथेन का फॉर्मूला, और उसके बाद फिर है एसिटिलीन, तो एसिटिलीन को एसिटिलीन C2H2 इस तरीके से होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन इस तरीके से होगा, तो ये एसिटिलीन का सूत्र हो गया, तो बस यही आपको सूत्र ही लिखना था। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है, पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए, दोस्तों दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में जब वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है तो इस घटना को ही हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जब भी सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परिवर्तन को हम
विसरित परिवर्तन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की गाड़ी पर आप देखिए उल्टा लिखा होता है, लेकिन जब हम अपने अगर हमारी गाड़ी एम्बुलेंस के आगे चल रही है तो शीशे में हमें सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो हम सभी को पता है कि जो उत्सर्जन अंग होते हैं व्यक्ति के, इनके माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं वो तो खाते ही है, लेकिन जो चीजें हमें हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती है उनको निकाल करके शरीर क्या करता है, बाहर करता है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यही सब जो अंग है ये उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। और इसमें देखिए वृक्क है, मूत्र वाहिनियां हैं, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, यही सब क्या है, मनुष्य के उत्सर्जी अंग है। कभी कभी चित्र भी पूछ लेता है उत्सर्जी अंग का, ये भी मैंने बनवाया है क्लास में। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है। दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, यानी कि जैसे ये हमारा वायु है, ठीक है, हमारे आसपास वायुमंडल होता है, कोई किरण आई सूरज की टकरा करके फिर ये उतना ही कोण बनाते हुए वापस चली गई, तो ये परावर्तन की घटना हो गई। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है, तो उन नियमों को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी आप लोगों को ये भी, ये दूसरा नियम है। दोस्तों, इस तरीके से दो नियमों को आपने देख लिया, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को बताइए। तो व्यक्ति की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो हम अपने दिमाग से अपने जिन कामों को अपने दिमाग से सोच करके समझ करके अपनी इच्छा के अनुसार हम करते हैं, वो सभी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, कहीं बाहर जाना, घूमना, ये सब हम सोच समझ के करते हैं, खाना खाना। लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो अपने आप होती हैं, जिन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये कोई गर्म वस्तु है, हमें ये नहीं याद है कि इसको छूने पर हम जल जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने उसको छुआ और हम जल गए, तो हम इस इच्छा से नहीं छू रहे थे कि इसको हम छू दें और जल जाएं, लेकिन वो गलती से, या एक तरीके से हम कहें कि हमें याद नहीं था, हम अपनी इच्छा बिना इच्छा के जल गए। ऐसे ही जो प्यास है, भूख है, एक सीमित समय पर हमें लगी जाता है, हमें ना चाहते हुए भी भूख प्यास लगती है, ना चाहते हुए भी हमें फ्रेश होना ही पड़ता है, ना चाहते हुए बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं हमारे शरीर की। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, सुगर चारकोल क्या है? देखिए, सुगर चारकोल के विषय में भी पूछा दोस्तों, आपका पेपर जो है ये बहुत ही अच्छा बनाया है। तो सुगर चारकोल कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है, इसे चीनी पर सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। गंधक का अम्ल चीनी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कार्बन शेष रह जाता है। ठीक है, तो सुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से जो चीनी होता है C12H22O11, तो यहां पर आप देखिए, जब सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया द्वारा ये बनाया जाता है तो H2SO4 यहाँ पर हो जाएगा, और यहां पर 12C+11H2O हमें प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर सुगर चारकोल, इस तरीके से इसके बारे में आपको लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो जो संरक्षण है या परिरक्षण है, खाद्यों का परिरक्षण है, यह परिरक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक हम ताजा और सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें भोजन को बिना गुणवत्ता और पौष्टिकता कम किए सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे कि हमारे घरों में फ्रिज होता है। ठीक है, हम जो पैकेट वाला दूध है वो भी क्या तरीके से संरक्षित किया हुआ ही दूध होता है जो हमारे घरों में आता है, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ब्रेड होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट से हम लाते हैं जो संरक्षित होती हैं, जो ब्रेड हम खाते हैं, चॉकलेट हम खाते हैं, इन सभी को खाद्य संरक्षण की क्रिया के द्वारा ही हम क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं लंबे समय तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनके प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। अभी आपने एथेन और एसिटिलीन का सूत्र देखा है, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, और इनका अगर इनके प्रकारों की बात करें तो हम ये
संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें आपको मेथेन और एथेन का फॉर्मूला लिखना था, और CH4 और C2H6 ये आपको लिखना था, मेथेन और एथेन। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें एथिलीन और एसिटिलीन आपको लिखना था। ठीक है, तो बस यही आपको करना था, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला हो गया। तो बस इतना आपको दोस्तों बताना था, और इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका पेपर है वो सॉल्व होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर क्लास को शेयर नहीं किया आपने तो शेयर कर दीजिए। कल के सारे मास्टर क्लासेस को अगर आपके पास समय तो जरूर देख लीजिएगा। अगर समय नहीं है तो राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को आप दोहरा करके जाइएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्कृत में, हिंदी में, इसके अलावा कंप्यूटर में, तीनों में अच्छे नंबर आए तो आप प्लीज दोहरा करके ही जाइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे विषयों के आपको क्लासेस की लिंक और राजन सीरीज, पवन सीरीज की PDF, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आपको मिल जाएंगे चैनल पर। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। आप तैयारी अच्छे से करिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय दोस्तों।